तो फाइनली हम पहुंच गए ट्रेडर रिक्शा वाला यानी कि विशाल भाई के ट्रेडिंग सेटअप पे। अभी इनके ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या है, उसका ये क्या यूज करते हैं, अभी आपको भाई दिखाने वाले हैं। तो भाई शुरू करो, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे फेवरेट चैट बटन दिखाता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। ये भाई ने पूरा एकदम चार्ट पैटर्न वैटर्न यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, ये ट्रेडिंग के रूल्स हैं। पहले एक ओवरव्यू दिखा देते हैं भाई, ओवरव्यू सही रहेगा ना। ये हमारा छोटा सा मंदिर, हमारी आस्था यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल। और लक्ष्मी माता की इसमें है पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी माता को आप भी नमन करो, मैं भी नमन करता हूँ भाई, उन्हीं की वजह से पूरा ये मार्केट सब चीजें चल रही है। और इधर एक व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड एक्चुअली हमारे जो डेली अपडेट्स रहते हैं, हमने यहाँ पे लिख के रहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू मैनेज योर टाइम। अभी आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, हमने बोर्ड पे इसको डाल के छोड़ दिया। एक मेन लाइन है अंत अस्थि प्रारंभ, और यहाँ पे एक बढ़िया वाईफाई लगा हुआ है, तो उसमें भाई स्पीड ठीक आ जाती है, हैंग वैंग तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं, कहीं पे ऐसा तो नहीं ट्रेड चल रही है इधर वाईफाई हैंग हो गया? एक दो बार हो गया था, मेरे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान ही हो गया था, अभी क्या कर सकते हैं। अरे एक और भाई बड़ी चीज है कि इंटरनेट जब भी बंद होता है हर कोई कहता है मेरा नुकसान हो गया, तो भाई किसी का फायदा नहीं होता इंटरनेट बंद होने से, पता नहीं हो जाता। आप बताओ जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जब इंटरनेट बंद होता है कोई सिस्टम की दिक्कत होती है, आपका फायदा होता है कि नुकसान होता है? और ये भाई आपने ये चिट लगाई हुई है, ये क्या है? ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, मतलब ये जो है डिविडेंड ज्यादा देते हैं। और भाई यहाँ पे बहुत सारा ये नीले लाल मतलब ये मोमबत्तियां सी बनी हुई है, ये भाई क्या सीन है, ये आपने क्या लगा रखा है? चलो मैं आपको कुछ एक एक्सप्लेन करके बता दूं। ये देखिए एक बुलिश फ्लैग होता है, ये भाई बुलिश फ्लैग ये होता क्या, ये है क्या चीज, ये तो बताओ। मतलब देखिए एक मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, फिर मार्केट थोड़ा साइड में चला, लेकिन एक लेवल में चला, रजिस्टर और सपोर्ट के बीच में चला, तो एक एक फ्लैग की तरह बन गया। तो इसने जो ये सपोर्ट है अपना रजिस्टर था, तो रजिस्टर को ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, तो इसको हम बुलिश फ्लैग कहेंगे। आपको समझ है इसकी, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपको मतलब इसका बारे में पता है कि नहीं पता, क्योंकि आम आदमी सोचेगा भाई ये क्या है, मतलब पूरा जानते हैं आप ये कैसे क्या काम करता है। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे भी, और इसमें से बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, मुझे तो जैसे चीजें पता है, बट एक नॉर्मल जो व्यूअर होता है उसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, ताकि लोगों के सवाल जो है सारे मतलब हल हो। तो ये जो इतने सारे चार्ट पैटर्न है, इसमें से आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा, जिसपे आप ज्यादातर ट्रेड करते हो? डबल बॉटम। डबल बॉटम, तो ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो कैंडल वाला डबल बॉटम है, बट ये अगर हम लोग लाइन चार्ट में देखें तो डबल बॉटम कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो भाई ये डबल बॉटम कैसे काम करता है, आप इस पे कैसे ट्रेड करते हैं, थोड़ा बताओ। मतलब अगर मैं मेरा यहाँ पे बताना चाहूँ, तो जब हमें दिख रहा है, हम मतलब 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं कि डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस फ्री कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स की डिटेल को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक रेजिस्टेंस सपोर्ट और लेवर के हम दोनों देखते रहते हैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा ऑल इन मनी के साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन कभी जब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तब, मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप पास में लेके आइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जैसे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, पहले हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड डबल बॉटम के लिए। मार्केट गिरता आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर आया उसी लेवल पे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक बाउंस किया, और ये वाला जो पहले वाला हाई था इसको क्रॉस किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और डबल बॉटम पूरा कंप्लीट हुआ और एक कंफर्मेशन मिला। तो डबल बॉटम के कंफर्मेशन पे भाई जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यही कहना चाहते हैं ना भाई? बिल्कुल, इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये बेसिकली डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है जिसपे भाई ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ये भाई आपने कुछ रूल भी लगाए हुए हैं, तो ये रूल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। तो सबसे पहला रूल तो यही कि डोंट ओवर ट्रेड भाई, ओवर ट्रेड करना ही नहीं। ओवर ट्रेड का मतलब क्या है भाई, ओवर का मतलब कितना ट्रेड, ओवर ट्रेड आप किसको बोलते हैं? देखिए मतलब नॉर्मल हम तो 2-3-4 ही ट्रेड लेते हैं, मैं तो मेरा पर्सनली आपको बताता हूँ। अभी तो 2 ही किए मैंने, लेकिन जब पहले 10-12-15 ट्रेड होकर मतलब दिन में हो जाते थे, तो वो ट्रेड को अवॉइड करना है, इतना ट्रेड करना ही नहीं पहला हमें, ठीक है, है कि नहीं। टेक ओनली 2 स्टॉप लॉस इन अ डे, हमने 2 कॉल से 2 व्हाटएवर जो भी मार्केट का ट्रेड है उस हिसाब से जो कॉल पुट बाय, 2 स्टॉप लॉस है तो ट्रेडिंग बंद कर देना है। हाँ, बंद कर देना है, उस जो भी लॉस हो प्रॉफिट हो उसे एक्सेप्ट करना है और छोड़ देना वहाँ पे, है कि नहीं। अगला क्या रूल है भाई? ओनली 5% रिस्क पर डे,
मतलब आपका जो भी कैपिटल है भाई, आपका 20,000 का कैपिटल है तो आप खाली 5,000 का रिस्क लो, उसमें भी खाली मतलब प्रीमियम आपको 5,000 के लेने हैं, रिस्क वो 5,000 के 5% का लेना है। मैं तो ये कहूँगा 5,000 के 5% है मतलब 250 रुपए का, जो जितना कैपिटल उस एक ट्रेड में डाल रहे उसका 5% रिस्क लेना है। बिल्कुल ऑब्वियसली, मेरे एक ट्रेड में 250 रुपए 20,000 का कैपिटल है तो मतलब वो 1.5% रिस्क बन गया 20,000 पे, वो लेना है। आई थिंक ये परफेक्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो मोस्टली ऐसे ही करते हैं। और भाई एक हमारे व्यूअर्स को एक चीज मैं और बता दूं, ये 5% जो रिस्क है ये बेसिकली एक छोटे कैपिटल से जो एक नया ट्रेडर शुरू कर रहा है उसके लिए, समझो किसी का कैपिटल है 10,000 रुपए, तो मतलब 20-50 रुपए के रिस्क में तो ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कि भाई हाँ 500 रुपए ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बट कैपिटल जैसे बड़ा हो गया समझ लो 50,000 रुपए हो गया, तो वो वही सोचेगा कि भाई 1,000 से ज्यादा अपने को रिस्क नहीं लेने का, 1,000 भी उसके कैपिटल का 2-3% हो गया 1,000-1,500 रुपया, फिर कैपिटल बढ़ के मान लो 1,00,000 रुपए हो गया तो वही 1,000 रुपए पे चला जाएगा, फिर जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा वो परसेंटेज कम होती रहती है, क्योंकि फिर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और मैनेज किया जा सकता है। यही बात है ना भाई, कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप भी अपना रिस्क कम करोगे परसेंटेज वाइज। ठीक है, अगले भाई बताओ क्या रूल हमारा, तो यहाँ पे ऐसे अमाउंट होता है वहाँ पे, हम लोग परसेंटेज पे बहुत कम देखते हैं, अमाउंट पे ज्यादा देखते हैं। परसेंटेज पहले एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर अमाउंट पे चलते हैं। जैसे आपने देख लिया कि भाई 1% बन रहा है 200 रुपए, ठीक है, तो आपने 500-700 का रिस्क डिफाइन कर लिया, तो 2-3% आपके कैपिटल का बना है, जो भी मतलब एक तरीके से। तो डोंट पैनिक एंड एग्जिट, मतलब कभी कभार ये हो जाता है यहाँ पे इमोशंस हमारे बहुत मतलब डर लगने लगता है कि मतलब हम बहुत पैनिक हो जाते हैं यार, अभी तो मेरा प्रीमियम लॉस में जा रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा वेट करना है, अगर अपने 100% आप श्योर आपके, और ये भी कब क्वांटिटी ज्यादा होती है तब होता है, कम होती है तब होता है, मतलब कभी दोनों चीज में होता है, जब ज्यादा क्वांटिटी होती है तो बहुत फटाक से हम पैनिक हो जाते हैं। अब हमारा पर्सनली बता रहे, अपना रिस्क जो है वो कंट्रोल में रखना है, क्वांटिटी जितनी मतलब क्षमता है उतनी लेनी, उससे ज्यादा नहीं लेनी। आप मतलब देखिए भाई, मतलब 1 या 2 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब 10-15 लॉट से ट्रेड मत करो, मैं तो यही बोलूंगा। रिवेंज ट्रेड मतलब तो मेरा यही होता है कि अगर हमें लॉस हो गया तो उसे तो हम लोग रिकवरी का सोचते हैं वहां पे, ठीक है ना, वो तो मैं तो वो टालता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ डोंट रिवेंज ट्रेड। चलो मार्केट कौन सा बंद होने वाला है कल देख लेंगे, फिर आगे क्या है, एक्सेप्ट स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो भाई, ये नहीं कि भाई 10 पॉइंट और देखता हूँ, 100 पॉइंट और देखता हूँ, वो नहीं करने का, ये गलतियां करना नहीं है। अवॉइड फोमो, फोमो मतलब क्या, वही जो हमने काश हमने लिया होता, हाँ उसके चक्कर में फिर बाद में भाग के लेते हैं उसको, फिर नेवर रिग्रेट, पछतावा नहीं करना, वही चला गया तो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ आज का नहीं देखना कि भाई आज इतना कमा लेंगे उसके चक्कर में सब डुबाना नहीं है। बिल्कुल राइट, ट्रेडिंग जर्नल एंड रिव्यू, तो आप लिखते हो ट्रेडिंग जर्नल, ये कॉपी वॉपी तो बढ़िया भाई काफी, नहीं नहीं फिलहाल तो हम लोग खाली हमारे माइंड में बिठा के रखते हैं। हाँ तो भाई कॉपी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, ठीक है भाई। की कुछ बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे, फिर कुछ कॉपियां हैं, फिर कुछ यहाँ पे पेन वेन ये सब चीजें हैं, एक मार्कर है, फिर ये स्केल है, स्केल से भाई क्या पूरा कैंडल नाप माप कर ले जाते हैं क्या? नहीं ले ले बिल्कुल ले भाई। तो भाई ये कंप्यूटर का क्या सीन है, कंप्यूटर आपको कितने में पड़ा और इसका क्या यूज करते हो आप? मतलब मैंने तो इसे सेकंड हैंड दिया था मेरे दोस्त से, कुछ 3,500 का कुछ लिया था। क्या बात है भाई, बड़ी सही डील मिल गई आपको, 3,500 का भाई ने ये कंप्यूटर लिया है जिसके अभी भाई ट्रेड करता है। तो भाई ये पौधे का क्या सीन है, ये कोई पैसे का पेड़ वेड़ है क्या, थोड़ा हमें भी बता दो क्या सीक्रेट है? नहीं एक्चुअली मेरे सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, आई थिंक ये मनी प्लांट है, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताना जरा क्या है ये। एक्चुअली मेरे सिस्टर ने मुझे दिया था कि हाँ ये रख ले तेरे सेटअप के यहाँ पे, इसलिए मैंने उसे वहाँ पे रखा हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मनी प्लांट जो है भाई के लिए बहुत सारी मनी लेके आए, और बहुत सारी मनी अगर आती है तो ऐसे 8-10 प्लांट मैं भी लेके आऊंगा, ठीक है, और दबा के पैसा छापेंगे। तो मतलब मजाक की बात साइड में रही, आई होप ये जो है काम करे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग सेटअप कितने का है, पूरा आपको दिखा देते हैं। तो इसमें एक कंप्यूटर है, कुछ बुक्स हैं, ये पूरा आप देख रहे हो, सब चीज़ें बताएंगे आपको। फिर इधर एक स्क्रीन और भी लगी हुई है। सबसे पहले तो भाई ये बताओ कंप्यूटर जो है ये कितने का है? मैंने इसको सेकंड हैंड लिया है, मेरे ख्याल से 3,500 का मैंने लिया है मेरे दोस्त से। अच्छा 3,500 रुपए का, बहुत बढ़िया डील मिल गई भाई फिर तो आपको। ये मैंने नया लिया था 800 रुपए का। अच्छा ये कीबोर्ड 800 रुपए का, ये इसमें अपना कंप्यूटर के साथ नहीं आया ये? नहीं वो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के साथ खाली ये। अच्छा 3,500 रुपए का कंप्यूटर और ये आपका कीबोर्ड 800 रुपए का, और ये दिख रहा है ना, और ये सीपीयू कंप्यूटर, ये दोनों एक साथ में आए ना? हाँ, ये 3,500 के दोनों। हाँ, और वो जो राउटर है अपना वाईफाई वाला, वो कितने वो का पड़ा? मेरे ख्याल से वो 700 रुपए का उसने दिया था, वो मेरे आईटी में जॉब करता ना मेरा फ्रेंड। अच्छा, और ये माउस वगैरह वायरलेस, और ये माइस, माउस तो मैंने नया लिया था। कितने का पड़ा भाई ये? 400 रुपए का कुछ लिया था मैंने। अच्छा, और ये सब
कॉपी किताब ये सब मेरी ऑलरेडी मेरी सब मेरे बुक्स पहले से मेरे पास थी सब। फिर भी कितने की रहेंगी ये? नहीं नहीं बोल के 2-2.5 हज़ार की तो होनी चाहिए। 2-2.5 हज़ार की बुक्स रहेंगी फिर ये तो। ये आपका जो आपने लगाए हैं ये भी 100-200 रुपए का ये भी रहेगा, प्रिंट आउट का खर्चा लगेगा 10-10 रुपए का पकड़ लीजिए आप लोग, सारा 10-10 रुपए का 40 रुपए का भाई ये हो गया। फिर इधर एक कैलेंडर। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इस फ्री कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स की डिटेल को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और भाई ये व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, ये कितने का पड़ा? ये 200 का। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये इधर एक और भी स्क्रीन लगी पड़ी है, ये कितने की होगी भाई? मेरे ख्याल से कुछ 10-10,000 का तो होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ये ट्रेडिंग सेटअप से ज्यादा महंगी स्क्रीन है। हाँ, तो भाई क्या वो काचा बादाम देखते हो? उसमें तो खाली न्यूज चैनल चलता है, मतलब टीवी। अच्छा, मतलब देखो न्यूज इधर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के साथ साथ में भाई न्यूज भी पता होनी चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उसके लिए। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे एक ये फोन पड़ा हुआ है, तो ये भाई क्या आपका पुराना फोन है ये? हाँ ये मेरा पुराना फोन है ये। तो ये भाई कितने का अगर बेचने जाए कितने का बिकेगा? ये भी सेटअप पे काउंट कर लेते हैं, 2-500 रुपए मिल जाएंगे कुछ इसके? हाँ, अपने को 2-250 तो मिलने चाहिए। हाँ तो भाई 250 रुपए का ये फोन है अपने पास में। ठीक है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया लगेगा। और साथ में ये ताला भी है भाई, ताला ये कितने का रहेगा? 150 का। हाँ 150 का रहेगा, 150 का ताला। और बढ़िया टक टक एकदम मस्त तरीके से काम करता है, देख सकते हैं ऐसे करके इधर ऐसे डालो अपने आप घूम जाता है और बढ़िया आवाज़ आई इसकी ताले की, मज़ा आया। तो ये तो हो गई भाई थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें। तो भाई ये लेटेस्ट वाला फ़ोन भी दिखा दो, ये कितने का पड़ा अपने को? 16,000 का। हाँ तो सबसे महंगा ये फ़ोन ही है, क्योंकि भाई फ़ोन के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रेडिंग सेटअप पे देखते हैं भाई कैसे क्या इसको यूज़ करते हैं वो थोड़ा समझेंगे, और फिर स्ट्रैटेजी भी, एक अलग वीडियो आएगी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसको भी समझेंगे। तो अभी भाई के साथ में बैठता हूँ और पूरा समझते हैं भाई सीन को। तो चलो भाई, ये तो कीमत वीमत हो गई, पर इस कंप्यूटर का आप क्या इस्तेमाल करते हो? मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली। हाँ, प्राइस चार्ट एक टाइम पे एक देखते हो या मल्टीपल चार्ट्स देखते नहीं, हो? नहीं नहीं, मैं खाली एक सिंगल स्क्रीन में देखता हूँ उससे पूरा। अच्छा, निफ्टी का आप चार्ट लगा के देखते हो, बैंक निफ्टी का? किसमें ज्यादा काम करना पसंद करते हो? मतलब वैसे निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, फिर भी बैंक निफ्टी को कभी कभी देख लेता हूँ मैं। पहले आप क्या बैंक निफ्टी में करते थे ट्रेड? हाँ पहले मैं बैंक निफ्टी में करता था, अब निफ्टी पे आ गए। अभी निफ्टी पे आ गए भाई, ऐसा क्यों? ऐसा है बैंक निफ्टी ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसको छोड़ दिए और निफ्टी पे आ गए? उसमें इतनी वो चढ़ उतार जो बोलते हैं कि फटाक से चढ़ेगा फटाक से उतर जाएगा। और ट्रेड आप क्या फोन पे डालते हो अपना कंप्यूटर पे डालते हो? नहीं नहीं, फोन से ट्रेड फोन से होती है और देखते हैं अपना लैपटॉप पे। बाय और सेल पूरा इसमें से होता है। अच्छा, बाकी देखना तो सब सामने ही होता है, देखना सब सामने ही होता है। तो इस पे आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हो जिसमें ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम रहता है, इस कंप्यूटर का यूज इतना है, इतना है। बाकी न्यूज देखनी है वो इधर ये वाली स्क्रीन पे चलती है। ठीक है, और ऑर्डर डालना है तो ये उधर फोन पड़ा है उस पे ऑर्डर डलता है। हाँ। वो वाईफाई पड़ा है, वो अगर कभी बंद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फोन से काम चल सकता है। उधर अलग इंटरनेट चल रहा है, इधर अलग इंटरनेट चल रहा है। और भाई ये बोतल का क्या सीन है? मैंने देखा जब थोड़ा लॉस चल रहा होता है तो भाई ये बोतल से ज्यादा पानी पीते हैं, नहीं तो ये बोतल से नहीं पीते। तो भाई ये बोतल का क्या सीन है, क्या रखते हो इसमें? मतलब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो घर से नींबू पानी लेके आता हूँ वहाँ पे पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होता है दोपहर के वक्त में, तो थोड़ा मतलब और फैन वगैरह का तो इतना हवा लगता नहीं क्योंकि एसी तो अपने पास है नहीं भाई। तो ज्यादा ये हो गया तो ये भाई देसी एसी है। ठीक है, ऐसे नींबू पानी भाई लेके आते हैं बढ़िया बर्फ बर्फ डाल के ठंडा एकदम, तो उससे क्या है अगर लॉस वॉस चल रहा होता है दिमाग थोड़ा शांत करते हैं, कूल दिमाग कूल होता है, तो उसके बाद में वापिस से सोचते हैं कि भाई अब क्या करने का, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये बोतल इस्तेमाल होती है। और ये बोतल कितने की? 500-600 की बोतल रहेगी। तो ये स्पीकर भी है? अच्छा, ये स्पीकर भी है, ये कितने का भाई? 2,000 का तो रहेगा, 2,000 का स्पीकर अपने को पड़ेगा। हाँ। और एक अपना क्या कहते हैं ये स्पीकर पे आप क्या करते हो, इसका क्या इस्तेमाल करते हो? मतलब सबसे पहले तो मैं थोड़ा मोटिवेशन सॉन्ग सुनता हूँ मेरे लिए। सबसे पहले मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो? और हाँ, तो और एक कुछ भगवान के सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता हूँ। अच्छा, भजन भी लगाते हो आप इस? हाँ, सुबह सुबह। हाँ, और अगर लॉस हो गया तो सैड सॉन्ग भी लगाते हो इस पे? भजन सुन के भी हो ही जाता है, थोड़ा तो मोटिवेशन आ ही जाता है वहाँ पे। और प्रॉफिट हो गया फिर क्या लगाते हो इस पे? फिर वहाँ पे थोड़े जो फेवरेट सॉन्ग है जो वो बजते मोटिवेशन के लिए। हाँ, कि यार कर दिया हमने आज तो।
कर हर मैदान फतेह बोलो या बंदिया रे बंदिया, ये सब सॉन्ग चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये भी साथ में जरूरी है कि यार थोड़ा बंदा बोर ना हो जाए, चार्ट भी चलते रहते हैं साथ में, स्पीकर भी चलता रहता है। तो मैंने ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपको दिखाया, एक एक चीज आपको दिखा दिए, कुछ छोटा मोटा कुछ पेन वैन ऐसा रह गया रहेगा, बाकी सब चीजें आपको बता दी हैं, कौन सी चीज कितने की, सारी चीजें दिखाई हैं। तो ये कितने की हुई मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन आ नहीं रही क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। तो आप लोग जरा कैलकुलेट करके कमेंट में लिख के बताना कि भाई ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप जो है ये कितने का हुआ।